बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नॉलेज स्कूल, कायद कैंपस, सब्जेक्ट SST, लेक्चर नंबर 1, ग्रेड 5, यूनिट नंबर 3, सिटीजनशिप, लेसन नंबर 10, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मालूमात, कम्युनिकेशन का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, कम्युनिको विच इज मीन शेयर। शेयर मीन तबादला करना, यानी मालूमात का तबादला बखूबी और अच्छे अंदाज से करना के बात समझ में आ जाए। इंफॉर्मेशन इज नॉलेज अबाउट एन इशू, प्रॉब्लम, इवेंट, प्रोसेस और सब्जेक्ट। वी रिसीव एंड कन्वे इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम एंड यूज़ अ नंबर ऑफ वेज टू डू दिस। हम मालूमात पहुँचाते हैं या हासिल करते हैं हर वक्त नंबर ऑफ वेज मुख्तलिफ तरीक़ों से। द इंफॉर्मेशन वी गेट्स valuable because it can affect our behavior, decisions and outcomes। जो मालूमात हमें मिलती है या जो मालूमात का हम तबादला करते हैं वो हमारे लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि ये हमारे रवैयों पे, हमारे फ़ैसलों पे और हमारे आउटकम्स पर असरंदाज होती है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात के ज़राए। देयर आर मैनी वेज ऑफ रिसीविंग एंड कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, मालूमात को हासिल करने और पहुँचाने के बहुत से तरीके हैं। ऑल इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस मीडियम्स। ब्रॉडली स्पीकिंग द मीडिया कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। प्रिंट मीडिया में मालूमात को पहुँचाने के तरीके में अखबारात, मैगजीन्स, रसाले एंड जर्नल्स और जरीदे शामिल हैं। प्रिंट मीडिया ऑल्सो इंक्लूड्स बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, लीफलेट्स, ब्रोचर्स एंड डायरेक्ट मेल। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, फैक्स एंड एनी अदर मीडियम दैट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन, टीवी शामिल है, रेडियो, इंटरनेट, फैक्स और हर वो तरीका शामिल है जिसका मीडियम इलेक्ट्रिसिटी है। द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड थ्रू साउंड, द रिटन वर्ड, विजुअल्स, इमेजेस, स्टिल एंड मूविंग इमेजेस, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज सोशल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ब्रांच, एक ब्रांच जिसे सोशल मीडिया कहा जाता है। दिस इज़ अ पावरफुल ब्रांच ऑफ मीडिया दीज डेज। आजकल ये बहुत ही पावरफुल या ताकतवर ब्रांच बन चुकी है, दो इट इज़ नॉट रिलायबल और रेगुलेटेड। सम पॉपुलर सोशल मीडिया फोरम्स आर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड LinkedIn। मैस एंड नॉन मैस मीडिया, मैस मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी दैट इज़ इंटेंडेड टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। टेलीविजन, रेडियो, द इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर्स आर ऑल कम्युनिकेशन टूल्स दैट कैन क्विकली कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी बहुत से लोगों को या बहुत सी जगहों पर मालूमात को पहुंचाना तेज़ रसाई से, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और अखबारात। नॉन मैस मीडिया इंक्लूड्स टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक अ लेक्चर टू अ लिमिटेड ऑडियंस, डिस्कशन एंड टॉक्स इन अ क्लोज्ड रूम, अनाउंसमेंट्स फ्रॉम अ मॉस्क और लेक्चर्स ऑन रिलीजन फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यानी डिफरेंस बताया गया हमें
मैस मीडिया का और नॉन मैस मीडिया का। मैस मीडिया में बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में क्विकली बआसानी और तेज़ रसाई के ज़रिए से पैगाम पहुंचाया जाता है, जबकि नॉन मैस मीडिया में मालूमात को किसी लेक्चर की सूरत में, किसी डिस्कशन की सूरत में एक बंद कमरे में मालूमात को पहुंचाया जाता है या मुंतकिल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। इसके मीडिया के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अल्लाह हाफिज़।